परत आल्यानंतर ते त्यांच्या ऑफिसला ऑफिस सगळ्या ऑफिसशी चर्चा करू शकतात, ॲडव्होकेट जनरलला सल्ला मागू शकतात, तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊ शकतात, कारण ते सगळं त्यांना उत्तर देत असताना त्या पद्धतीनंच दिलं गेलं पाहिजे. कायद्याच्या नियमाच्या सगळ्या चौकटीमध्ये ते असलं पाहिजे पाहिजे की नाही. दादा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि लगातार जो शिंदे ग्रुप के विधायक है वो ये आरोप कर रहे हैं कि एनसीपी सरकार खतरे में, इसलिए राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए कि गलत फैसले ना लिए जाए. आज गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रहे हैं. उन्होंने उदाहरण दिया है कि जितने पुलिस भर्तियों में पुलिस के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, फटाफट जो ट्रांसफर और फैसले हो रहे उसमें कहेंगे भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, इसलिए राज्यपाल नजर रखेंगे. नहीं नहीं, उसके बारे में ये जो आप अगर गवर्नमेंट में होते और मेजोरिटी में होते तो आपको अधिकार ही है. दादा मिनिस्टर को अधिकार है ना, उस मिनिस्टर को जिस डिपार्टमेंट का काम हो रहा है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को अधिकार है, फाइनल अधिकार तो चीफ मिनिस्टर का रहता है. दादा ये सवाल शिंदे और उनके ग्रुप ने तो कौन सारे मिनिस्टर हुए हैं? अजित पवार यहाँ है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ है, जयंत पाटिल यहाँ है, दिलीप वळसे पाटिल यहाँ है, राजेश टोपे यहाँ है, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड, सब हम यहाँ है. दादा एक सवाल सिर्फ बताइए, लगातार शिंदे ग्रुप के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी उन्हें सहयोग नहीं करती थी और कहीं ना कहीं उनके विधायकों को मंत्रियों को मदद नहीं मिलती, ऐसा क्या चल रहा था कि आप लोगों ने? ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा आपको एक मालूमात होनी चाहिए. आप समझो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, ये होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, वो आरडीडी मिनिस्टर है, तो वो मिनिस्टर को पूरा अधिकार उनके पास रहता है, दूसरे किसी को नहीं जाता. एक दफा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के बाद और दोनों फ्लोर पे यानी विधान परिषद और विधानसभा में वो जब मंजूर हो जाता है मेजॉरिटी विधायकों के तरफ से, तो उसके बारे में उसका पूरा अधिकार अलग अलग ट्राइबल का ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाता है, पीडब्ल्यूडी का उनके मिनिस्टर को जाता है, इरिगेशन का उनके मिनिस्टर को जाता है, ऐसा होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए. तो आप लोगों से नाराजगी क्यों है? अभी उनके मन में क्या है, उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. दादा इसी से जुड़ा हुआ है सवाल, आपने 2018 में कहा था नवंबर 2019 में कि तीन पार्टियों की सरकार चलाने में कॉन्फिडेंस है, दो पार्टियों की सरकार चलाई जाए, तीन पार्टियों की सरकार चला पाना जो है मुश्किल है, तो क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा? आपको आपको एक पता है, जब अपने एनडीए की सरकार देश में थी तो 25 पार्टियों को लेके वाजपेयी साहब ने सरकार चलाई ना. उसके बाद